अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक और गुलाबी गोट्स का हर्ट दिखाऊंगा और इनके जो ओनर हैं उनसे भी मिलवाऊंगा और उनसे क्वेश्चन भी करेंगे कि कहाँ से लाए गोट्स और इनकी क्या खसूसियात है। तो पहले मैं आपको गोट्स निकाल के दिखा देता हूँ एक एक करके, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये इनका ब्रीडर आ रहा है और उसके बाद कुछ इनके पास पट्टे भी हैं, एक दो बकरियाँ भी हैं, चार से पाँच ये हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो व्यूअर्स अब हमारे साथ मौजूद हैं इनके ओनर भी, असलाम करीब आओ। इनका नाम है हाजी हमल राजर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमल भाई? ठीक है हम। सही दुआएं। अच्छा, पटेरी के साथ साथ आपने गुलाबी का भी शौक? हाँ, किया? गुलाबी का शौक किया है अभी। अच्छा अच्छा, कितनी गुलाबी बकरियां आपके पास? गुलाबी हैं चार पाँच है। चार पाँच हैं जी। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ से लाए, क्या क्या कीमत है, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये लिए बुकटी से। कौन से बुकटी से, थोड़ा चला के दिखाइए, इसको चला के दिखाइए सर। ये कौन से बुकटी से लिए? दिल मुराद बुकटी। दिल मुराद बुकटी से उनके पास आप पहुंच गए? वो हम तो माशाल्लाह व्यूअर्स ये बता रहे हैं दिल मुराद बुकटी से लिए। दिल मुराद बुकटी को तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, ये आपने कितने में ली दिल मुराद बुकटी? ये मैंने ली थी 5 लाख में। 5 लाख में जी। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है अभी? ये अभी दो दांते। दो दांते माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और भी एक हमें गोट्स नजर आ रहा है आपकी, वो भी दिखाइए। ये किससे ली थी? हाजी गुलाम हैदर मरी से। हाजी गुलाम हैदर मरी से माशाल्लाह। अच्छा अच्छा सर, ये इसको स्वेलिंग हुई हुई है, ये तो मैंने झाला नहीं है, ये जो गानी अभी बदी। अच्छा, इसकी वजह से हुई है। इसी माशाल्लाह। इसकी उम्र कितनी है अभी? ये तो है 8 महीने की। 8 महीने की। अच्छा, ये आपने किससे? हाजी गुलाम हैदर से। हाजी गुलाम हैदर मरी से ली। मरी से ली। ये कितने में ली थी आपने? ये मैंने ली थी 3 लाख में। 3 लाख। इसको थोड़ा चला के दिखाइए, इस साइड ले आइए वापस। ये भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, इसको आगे ले जाइए। अब जो आपका मेल है उसको लेके आइए। इसकी क्या उम्र है मेल की? ये 4 दांते। 4 दांत है माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, आप झालर भी देख सकते हैं इसकी, बड़ी अच्छी झालर है, कान नकोड़ भी अच्छी चीज़ें। इसको थोड़ा सा चला के दिखाइए, ये 4 दांत बता रहे हैं हाजी अमल भाई के, 4 दांत है बकरा। और ये सर आप किससे लेके आए थे? ये मैंने लिया था ये हबीब कायम खानी से। हबीब कायम खानी से जी। अच्छा, ये हबीब कायम खानी से लेकर। अच्छा, किस तरह लगा आपको गुलाबी गोट्स में और रखे और पटेरी गोट्स रखे, क्या फर्क क्या है गुलाबी और पटेरी में? पटेरी का तो और शौक है। अच्छा हाँ, पटेरी का शौक अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, इसमें कितना दूध होता है गुलाबी बकरियों में? ये दूध इनका 3 किलो 4 किलो। 3 से 4 किलो। अच्छा, बच्चे कितने देती है? ये 2 देती है 3 देती है 4 देती है। 2 3 4। इनकी अमूमन मार्केट क्या है? इसकी मार्केट 50 लाख तक का है। 50 लाख में तो सर एक नई वीगो नहीं, नहीं सर, आप मंगल बुकटी से जी जी देखो जी जी। नहीं, मंगल बुकटी का तो देखा हमने, बिल्कुल गोट्स भी उनके पास अच्छी हैं, लेकिन सर 50 लाख तो एक बहुत बड़ी नहीं, इनकी मार्केट है। अच्छा हाँ। नहीं, वैसे जनरली क्या है, जैसे जनरली ये बस 10 लाख से 25-30 लाख। 10 लाख से 25-30 लाख। अच्छा अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया से, लोग आपकी वीडियो देखें गुलाबी बकरियों के हवाले से, आज आप क्या मैसेज? नहीं, गुलाबी शौक ये अच्छा है, गुलाबी का है, अमोरी का है। अच्छा, पटेरी का, ये जो 3 नस्ल है ना जी जी, ये सिंध की मशहूर नस्ल है। अच्छा, ये 3 नस्ल। और आपको पंजाब की बकरियाँ किस तरह लगती है? पंजाब की बकरियाँ तो है वो गोश्त की वजह से है। अच्छा, पंजाब की बकरियाँ गोश्त के लिए? हाँ, गोश्त के लिए होते हैं। हुस्न उसमें नहीं होता है, हुस्न नहीं होता है। अच्छा अच्छा, व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि पंजाब की जो बकरियां हैं वो सिर्फ गोश्त के लिए हैं, हुस्न उसमें नहीं होता, हुस्न जो है सिंध की बकरियों में होता है, ये हाजी अमल भाई का कहना है। इंशाल्लाह अगर आपके पास फ़र्ज़ करें पंजाब से मेहमान आते हैं और वो आपसे गुलाबी बकरियां या पटेरी बकरियां का शौक़ करते हैं, तो आप उनको कराएंगे? ना, ना, शौक कराएंगे, शौक कराएंगे, शौक कराएंगे। और अगर आपका मूड होता है पंजाब से बकरियां लेने का, तो आप पंजाब की तरफ जाएंगे गोट्स लेने? नहीं, हम जाएंगे, जाते हैं। अच्छा, हम जाएंगे, जाते हैं भाई, जाएंगे भाई। अच्छा, चलें व्यूअर्स, ये हमारे भाई हाजी अमल भाई, जिनकी मैंने पटेरी भी आपको दिखाई थी, अब मैं आपको इनकी गुलाबी कलेक्शन दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।